विकी कौशल अपनी रिसेंटली रिलीज फिल्म को लेकर लाइमलाइट में है। फिल्म के गाने और विकी का डांसिंग स्टाइल तो फैंस को खूब पसंद आया, लेकिन बैड न्यूज की कहानी ने विकी के फैंस का सारा मूड खराब कर दिया। और शायद इसलिए ऑडियंस इस फिल्म से कर रही है तौबा तौबा। अभी फिल्म को लेकर शिकायतें हो ही रही थी कि विकी कौशल के पास्ट से जुड़े कुछ ऐसे राज सामने आए हैं। अब भले ही इस वक्त विकी कैटरीना कैफ के साथ अपनी परमानेंट बुकिंग कर चुके हों, लेकिन एक वक्त था जब विकी कैटरीना नहीं बल्कि किसी और के प्यार में पागल थे। विकी की शादी के इतने सालों बाद उनकी एक्स गर्लफ्रेंड को दिक्कतें आ रही हैं। अब एक तरफ लोग मिस्टर कौशल की मिसेज से गुड न्यूज सुनना चाहते हैं और दूसरी ओर इनकी मिस एक्स को अचानक से आई दिक्कत सुनकर तो सबको टेंशन है कि भाई अब क्या होने वाला है। क्योंकि ऐसे भी विकी ने जब से तृप्ति संग हॉट सीन्स दिए हैं तब से कैटरीना के फैंस काफी नाराज हैं। ऐसे में एक्स की बात आए तो फैंस को हैरानी तो होनी ही थी। खैर अब मुद्दे पर आते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर इतने मुद्दत बाद विकी की एक्स को क्या शिकायत है। आपको बता दें कि विकी कौशल की एक्स कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस हरलीन सेट्टी है। हरलीन अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा अपनी डेटिंग लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रही हैं। 2019 में ब्रेकअप से पहले एक्ट्रेस काफी समय तक विकी कौशल के साथ रिलेशनशिप में थी। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान हरलीन ने विकी कौशल की एक्स गर्लफ्रेंड कहे जाने पर अपना रिएक्शन दिया है। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का जिक्र करते हुए कहा, मेरे इंस्टा बायो में दो शब्द है IM, आगे कुछ नहीं है। IM का मतलब है कि मैं स्ट्रॉन्ग वुमेन हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं खुद को एक एक्टर नहीं मानती, मैं किसी की बेटी हूँ, माँ हो सकती हूँ, लेकिन मुझे एक्स गर्लफ्रेंड की लेबल से दिक्कत है। लोग पता नहीं क्यों आपको लेबल देने की कोशिश करते हैं। मुझे सामान्य तौर पर किसी भी चीज के साथ अपनी पहचान बनाने में प्रॉब्लम होती है। मैं खुद को किसी के साथ जोड़ना पसंद नहीं करती हूँ। अब भी टाउन की गलियारों में ऐसी बातें होती हैं कि हरलीन सेट्टी ने विकी कौशल का साथ उनके स्ट्रगल के दिनों में दिया था। बताया जाता है कि हरलीन और विकी के बीच कैटरीना कैफ की वजह से दूरी आई थी, लेकिन कुछ लोग का ये भी कहना है कि ये पूरा सच नहीं है। दरअसल विकी अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे, हरलीन उनसे पीछे रह गई। हरलीन का कहना था कि उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की सक्सेस के बाद विकी का बर्ताव काफी बदल गया, वो उनसे दूर हो गए और उसके बाद उनके पास कभी लौट कर वापस नहीं आए। हरलीन की वर्कफ्रंट की बात करें तो हाल ही में डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वेब सीरीज बैड कॉप में वो नजर आने वाली है। इससे पहले वो ब्रोकन बट ब्यूटीफुल और कोहरा जैसी सीरीज में काम कर चुकी हैं। वहीं विकी कौशल की फिल्म बैड न्यूज पिछले दिनों थिएटर में रिलीज हुई थी। विकी कौशल को लेकर हरलीन सेट्टी की लाइफ में दिक्कत पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की खबरों के लिए देखते रहिए NN बॉलीवुड एंड न्यूज नेशन डिजिटल। थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यूज नेशन। अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।